इस बात की काफी खुशी है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे मनीष जी और आप सभी हमारे गणमान्य जितने भी अतिथि हैं, प्लीज गिव योरसेल्फ्स अ बिग हैंड। और साथ में वन ऑफ आवर फेवरेट बैंड्स इंडियन ओशन, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिमाग तभी काम करता है कि जब वो खुला होता है, बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है, और उसका जो यंत्र है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस दिमाग को खोलने की, वो है शिक्षा। और उस शिक्षा की जो अहमियत है, उसकी इंपॉर्टेंस आप सभी उसको समझते हैं। हम एक शिक्षित समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अभी भी उस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। और एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली सरकार का भी, और जितने भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारा समाज पहले से कहीं ज़्यादा एक शिक्षित समाज हो, सभ्य समाज हो, ताकि हम विश्व स्तर पर और आगे बढ़ सकें। मैं सभी जितने भी हमारे मीडिया से जो मित्र हैं, दोस्त हैं, आई एम वन ऑफ यू, तो मैं आपको एक स्पेशल वेलकम देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सचिन साहनी और कलाकार भी हूँ, एक रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, और उसके साथ साथ आप ही की अलग अलग कंपनीज में से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सच में आप सभी को रिप्रेजेंट करते हुए और आपके और दिल्ली सरकार के बीच में एक माध्यम बनते हुए मुझे भी बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस बहुत ही खास साल में जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य आयोजन, और बात सिर्फ उस भव्य आयोजन में एक ग्रैंड म्यूजिकल की नहीं है, वो ग्रैंड म्यूजिकल जिनके बारे में है, उस व्यक्तित्व के बारे में है, वो व्यक्तित्व जिसने बहुत कुछ जीवन में चाहे सहा, डिस्क्रिमिनेशन कहें या कुछ भेदभाव, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे राह पर चल पड़े जिसको सब लोग देखकर ना सिर्फ उनको गौरव महसूस हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने पीड़ित समाज के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बहुत काम किया। तो अब उनके जीवन मूल्यों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, वी कैन लर्न सो मच एंड वी कैन जस्ट टेक दोज क्यूज, कि जैसे कहते हैं ना कि वो पुराने कुछ क्रम्स को छोड़ के जाता है, हम उनके रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन वो बातें हमारी किताबों में बचपन से हैं, लेकिन वो बातें, वो उनके जीवन मूल्य, वो उनके आदर्श बी आर अम्बेडकर जी के, वो लोगों को किस तरह से ऐसे समझाए जाएं, ऐसे दर्शाए जाएं कि उनको सच में लगे कि हाँ, ये एक महान व्यक्तित्व रहा है। तो जिनके बारे में हमने क्लासरूम में पढ़ा, वो आपको जब एक ग्रैंड म्यूजिकल की शेप में देखेंगे, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोडक्शन के साथ जब आप देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस नजरिए का एक व्यक्तित्व था। तो ये पूरा म्यूजिकल क्या होगा, इसमें सांगीतिक जो भी इसके पहलू हैं, जो भी म्यूजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में बैंड आपको बताएंगे, और इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं और जो और बाकी जानकारी है, वो आपको अभी इस मंच से मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, वैसे आप अवगत होंगे कि आप अपने फोन्स साइलेंट मोड पर और वाइब्रेशन मोड पर रखें, और उसके साथ साथ अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी कि आप मंच पर आएं, पोडियम पर आएं, प्लीज़ जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो आइए इस सुबह के बारे में और इस पूरे ग्रैंड म्यूजिकल के बारे में कुछ और जानते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं इस बारे में कि दिल्ली सरकार बाबा साहब के जीवन पर, उनकी सीख पर, उनके काम पर, और हम आज जहां भी हैं, पूरा देश आज जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसमें बाबा साहब के योगदान पर एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्ले आयोजित करने जा रही है। और ये प्ले एक तरफ हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष में बाबा साहब के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी
मान के चल रहे हैं कि आजादी के 75वें साल में बहुत आनंद मनाते हुए, बहुत जॉय के साथ, बहुत आनंद के साथ में हम सब लोग बाबा साहब को याद करें। बाबा साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको बहुत आनंद के साथ, उत्सव के साथ देखें आजादी के 75वें वर्ष में, और उस उत्सव में, उस आनंद में हमारे अंदर एक संकल्प पैदा होगा। वो काम बड़ा है, देश में इतने बड़े प्ले कभी नहीं हुए जिस तरह का प्ले अभी आयोजित होने जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रॉडवेज के नाम से या इसी तरह के कुछ और नाम से बहुत बड़े बड़े प्ले करने की परंपरा रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे से, वहाँ की सरकारों ने ये सुनिश्चित किया है कि अपने अपने देशों के, अपने अपने समाज के फाउंडर्स को, उसको दिशा दिलाने वाले लोगों को खूब याद किया है उन्होंने उस तरह के बड़े बड़े नाटकों के जरिए। हमारे देश में उस तरह की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार इस परंपरा को शुरू कर रही है कि बाबा साहब जो आज हमारे भारत के, आज के हमारे भारत के निर्माता हैं, हमारे आधुनिक भारत की नींव रखने वाले व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ऐसा शानदार प्ले किया जाए कि लोग बाबा साहब को महसूस कर सकें, 75वें वर्ष में उनको महसूस कर सकें और फील कर सकें कि आज जिस जॉय में हम हैं, आज जिस आनंद में, जिस आज़ादी के उत्सव में हम हैं, उसके लिए किसी ने कितने कष्ट उठाए थे और किन कष्टों के बीच से आज के भारत का निर्माण हुआ है। लेकिन म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, थिएटर के जरिए, और ये पहला प्रयास है, बहुत बड़ा शो है। मैं देश के लोगों को, तमाम कला प्रेमियों को और बाबा साहब के प्रेमियों को, सबको कहता हूँ कि अगले महीने से जब ये प्ले शुरू होगा तो दिल्ली की टिकट बुक करा के रखिएगा। प्ले फ्री रहेगा, प्ले की टिकट नहीं होगी, लेकिन दिल्ली आने के लिए तो टिकट बुक करा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त दिल्ली के लिए टिकट ना मिले। उस प्ले में क्या होगा, कैसे होगा, वो कितना आर्टिस्टिक होगा और किस तरह से एक बहुत बड़े स्क्रीन पर पहली बार देश के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को उतारा जाएगा, उसकी एक झलक आज हम पेश कर रहे हैं। आज उसका एक सॉन्ग इंडियन ओशियन के द्वारा तैयार किया गया, यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और उस सॉन्ग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी दिल्ली सरकार कितने भव्य तरीके से कर रही है और ये पूरा का पूरा प्ले कितना भव्य होने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन ओशियन के तमाम दिग्गज देश के मूर्धन्य आर्टिस्ट को कि आके उसकी एक झलक दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं हम गाना ट्रैक बजेगा उसके ऊपर हम लोग गाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो हम पांच लोग स्टेज पे खड़े होकर नहीं कर सकते, इट्स वेरी क्लियर। पर आपको इस गाने के जरिए आपको ये हम कन्वे करना चाहते हैं कि इस जिस स्केल पे ये हुआ है, पूरे देश भर से म्यूजिशियंस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और आइडिया ये है कि यू नो, मुझे याद है जब बचपन में ना हमें गांधी जी के बारे में सिखाते थे और बहुत ही एक सीरियस सा मामला था और हम कहते थे अच्छा, हम ऐसे दुखी से हो जाते थे, पर ये म्यूजिकल का आइडिया है कि अप्रिशिएट, एंजॉय, ऐसे गाने बनने चाहिए जिसके आप, जिसके ऊपर आप नाच भी सकें, जिसको आप सुन भी सकें, जिसको आप गा भी सकें, और उससे कहानी अपने आप दिमाग में आ जाएगी। ओके, आर यू रेडी गाइस? Absolutely. Can we have the track, please? Yes, sir. Clap in time.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, कमाल की एनर्जी। मुझे लगता है कि इंडियन ओशन के लिए एक जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। व्हाट अमेजिंग एनर्जी। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनीष जी, प्लीज। और अगर आपके जो भी ये प्रश्न भी हैं, तो जब तक जनमन का मान रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, भीमा तेरा नाम रहेगा। तो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता करते हुए ये गाना अंबेडकर म्यूजिकल के लिए इंडियन ओशियन ने तैयार किया है, और बहुत शानदार गाना है। इसी तरह के कई और गाने इसमें प्ले के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आज का ये लॉन्च इस गाने के लिए विशेष रूप से रखा गया था। तो इस प्ले को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर, या इसके गाने को लेकर आपके मन में, अगर मीडिया के साथियों के मन में कुछ सवाल हैं, तो उनके जवाब अभी यहाँ से हो सकते हैं।